Let's do question number 38 of exercise 3E, that is linear equation to variable. Question number 38 is, the length of a room exceeds its breadth by 3 meter. Hamari room ki length jo hai, exceed means minus hai, breadth ke kitna 3 meter se. If the length is increased by 3, agar length 3 meter se increased ho jati hai, and breadth is decreased by 2 meter, or breadth decreased हो जाती है 2 meter से, the area remains the same. तो area क्या रहेगा? Same रहेगा, right? आगे क्या कह रहा है? Find the length and breadth of the room. हमें length और breadth निकालनी है room की. तो जब length और breadth ही निकालनी है room की, तो हम कह देते हैं let the length of room be x and breadth of room be y, right? अब क्या जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे. Length of a room exceeds its breadth by 3. तो length कितनी थी हमारी? X थी. तो x exceed कर गया y 3 से. तो x minus y equals to 3. ये हो गई हमारी first equation. अब second equation में क्या कह रहा है? Second equation के लिए कह रहा है, if the length is increased by 3 and the breadth is decreased by 2, the area remains the same. तो area remains the same का मतलब क्या हुआ? कि area क्या होगा? अगर length x है और breadth y है, तो area क्या हुआ? X y. तो एरिया जो पहली कंडीशन में आता वही आएगा. अगर कब? लेकिन लेंथ अगर 3 मीटर से इंक्रीज्ड हो जाए, तो लेंथ 3 मीटर से इंक्रीज्ड करेंगे तो x प्लस 3 हो गई. ब्रेथ कितने से डिक्रीज्ड करेंगे? ब्रेथ 2 मीटर से डिक्रीज्ड करेंगे. तो ब्रेथ आ गई हमारी y माइनस 2, राइट? तो हमारा एरिया सेम होगा. एरिया मतलब xy होगा, जो xy होता वही रहेगा. एरिया क्या होगा? xy होगा. अगर x लेंथ है और y ब्रेथ है, तो हमारा एरिया क्या होगा? xy. तो वो कह रहा है अगर लेंथ इंक्रीज हो जाए 3 से और ब्रेथ y से 2, ब्रेथ 2 मीटर डिक्रीज हो जाए, तब भी एरिया सेम रहेगा. सेम मतलब xy ही आएगा, राइट? तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब x की मल्टीप्लाई y माइनस 2 में और 3 की मल्टीप्लाई y माइनस 2 में, राइट? इक्वल्स टू xy. तो ये कितना आ गया? xy माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू xy. xy ये वाला उधर चला गया, तो ये आया xy माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6. माइनस का हो गया इधर आके xy इक्वल्स टू 0, राइट? ये माइनस का था, ये प्लस का था, कैंसिल हो गया. तो माइनस 2x प्लस 3y और 6 उधर दूसरी साइड चला गया, तो प्लस का हो गया इक्वल्स टू 6. ये आ गई अब हमारी सेकंड इक्वेशन. अब हम दोनों इक्वेशंस लिख लेंगे. x माइनस y इक्वल्स टू 3 थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन थी माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी. अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं x की वैल्यू, x का कोफिशिएंट 2 जो था, उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, तो ये कितना आ गया? 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 6. और नीचे वाली इक्वेशन सेम आ गई, प्लस 3y इक्वल्स टू 6. ऑपोजिट साइन थे तो कैंसिल हो गया. ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़े वाले का लग जाएगा. तो y इक्वल्स टू 6, 6 आपस में ऐड हो गए. तो पुटिंग y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1, तो ये कितना था? x माइनस y की वैल्यू 12 इक्वल्स टू 3. तो x कितना आ गया? 3 प्लस 12 हो गया, तो x आ गया ये हमारा
15। तो अब हमें लेंथ पता चल गई, लेंथ हमारी है 15 मीटर, लेंथ इज 15 मीटर एंड ब्रेथ इज, क्योंकि ब्रेथ को हमने y माना था तो ब्रेथ y की वैल्यू है 12, तो 12 मीटर इज द आंसर।